फिलहाल हमने जो है रिंग राइस इसका रिप्लेस नहीं किया है, ओनली निकाल के देखा है। और आपको वीपीएस भी इसका चेक करवाया मैंने, अनेबल भी इसका चेक करवाया, इसका इनपुट जो पावर से आ रहा है वो भी मैंने चेक करवाया, उसके बाद में भी रिंगर नहीं बज रहा था। तो मैंने फिर आपको I2C के जो रजिस्टर है उसके बारे में मैं डिटेल में आपको वीडियो में बताया है कि एक ओके कंडीशन में I2C की क्या रीडिंग होती है और उस पर क्या कितने वोल्टेज आते हैं, किस साइड से आते हैं और किस कंडीशन में आते हैं, और DSO के जरिए भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो आज का जो हैंडसेट है वो MI का 7A है। इसमें दिक्कत ये है कि रिंगर काम नहीं कर रहा है, इसमें रिंगर काम नहीं कर रहा है, यानी रिंगर वगैरह मैंने चेक किया है और आपको भी मैं चेक करवाऊंगा, तो इसमें रिंगर वर्क नहीं कर रहा है। तो पहली कंडीशन यह है कि हम इसको ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद देखते हैं कि इसका एक्चुअल में रिंगर की क्या कंडीशन है, यानी रिंगर में क्या इशू आ रहा है। तो मैंने सेट को जो अभी ऑन किया है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ऑन हो चुका है, और ऑन होने के बाद हम इसके रिंगर को बजाएंगे, और रिंगर को बजाने के बाद आपको रिंगर में ये लगाकर भी दिखाने वाला हूँ कि रिंगर की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। तो सेट ऑन हो रहा है, और सेट ऑन होने के बाद तो देखिए सेट ऑन हो चुका है, और इस सेट को ऑन होने के बाद हम इसका लॉक खोल लेते हैं, और लॉक खोलने के बाद हम इसमें देखने वाले हैं कि इसकी जो रिंगर है यानी जो साउंड का सिस्टम है उसमें जाके इसकी जो भी रिंगटोन की आवाज़ है या जो भी आवाज़ है हम कम ज़्यादा इसकी करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने रिंगर कोई बजाया है, और रिंगर बजाने के बाद मैं इसकी ये टप्पी है जो इसको फिक्स कर रहा हूँ, तो कोई तरह का कोई आवाज़ इसमें नहीं आ रहा है, ऐसा कोई आवाज़ इसमें नहीं आ रहा है। जैसे कि रिंगर मैंने यहाँ पर चेंज किया, तो यहाँ पर देखिए कोई भी आवाज़ यहाँ पर नहीं आ रही है। ठीक, मैं इसको दबा के भी रख रहा हूँ लेकिन नहीं आ रही। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक बार जो इसकी आवाज़ है उसको भी मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ, ये मैंने कम ज़्यादा करिए, देखिए कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, दबा के मैं देख रहा हूँ आपके सामने, मैं लाइव देख रहा हूँ। तो इसके बाद मैं इस गेम की भी आवाज़ कम ज़्यादा कर रहा हूँ या कॉल की भी आवाज़ कम ज़्यादा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं आ रही। कहने का मतलब है ये है कि सेट में रिंगर का इशू है। तो इसमें रिंगर का इशू कहाँ से है वो भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कॉल टेस्टिंग करेंगे इसकी, यानी इसका GR वगैरह चेक करेंगे इसके रिंगर टिप्स पर, और इसके रिंगर को भी चेक करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको माइक्रोस्कोप पे लेके चलता हूँ। ठीक है, तो रिंगर टिप्स पे मैं मीटर से चेक कर रहा हूँ, तो आप देखिए ऊपर रीडिंग आ रही है, यानी रिंगर जो है ओके है। इसके बाद में हम सेट को पैक कर रहे हैं, और सेट को ऑन करने के बाद रिंगर बजाने के बाद रिंगर टिप्स पर वोल्टेज चेक करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार GR चेक करवा देता हूँ कि यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है रिंगर टिप्स पर, यानी ये ICC कनेक्टेड है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं मीटर को मैंने अभी डायोड मोड में किया है, GR माइनस वाले पिन पे आ रही है वैल्यू, और प्लस वाले पिन पे भी आ रही है, यानी कोल्ड टेस्टिंग में कंडीशन सही है, यानी किसी ना किसी सर्किट से ये कनेक्टेड है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बैटरी कनेक्ट किया है और सेट को ऑन किया है मैंने, और ऑन करने के बाद मैं आपको रिंगर बजाकर रिंगर टिप्स पर वोल्टेजेस चेक करवाने वाला, क्योंकि जब रिंगर बजता है तो वहाँ पर 1.5 वोल्टेज से 3.5 वोल्टेज के आसपास वोल्टेज देखने को मिलते हैं रिंगर टिप्स पर, तो 1.5 से 3.5 के आसपास। लेकिन देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, प्लस और माइनस पर रिंगर बजने के दौरान किसी प्रकार का कोई वोल्टेज नहीं। मैं एक बार रिटर्न चेक करवा रहा हूँ, कोई वोल्टेजेस नहीं है। कहने का मतलब रिंगर IC से इसका इशू है, इनपुट सप्लाई या तो ओपन है या इसको अनेबल नहीं मिल रहा है या IC खुद ख़राब है। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें रिंगर सेक्शन का पोर्ट टेस्टिंग और कोल्ड टेस्टिंग चेक करवा रहा हूँ, देखिए क्या यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप अपना यही रहेगा कि बोर्ड को बाहर निकालेंगे, और माइक्रोस्कोप में आपको मैं दिखाऊंगा कि इसकी रिंगर IC की क्या कंडीशन है, उसका इनपुट क्या है, उसका आउटपुट क्या है, और उसको मिलने वाले वोल्टेजेस क्या है, उसको अनेबल क्या है, इनपुट डाटा क्या है, और जो भी प्रोटोकॉल इसमें यूज किया है उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको पहली कंडीशन में ऐसा दिख रहा है कि IC के ऊपर पानी वगैरह लगा हुआ, पहली कंडीशन में हमें ये दिख रहा है, हालांकि दुकानदार ने इस पर ऑलरेडी काम किया हुआ है, IC वगैरह उठा के देखा है उसने। तो मैंने आपको बोर्डियों में दिखा रहा हूँ कि ये इसका IC है और ये इसकी आउटपुट लाइन है जो कि आपके कनेक्टर से होती हुई है नीचे रिंगर टिप्स पर जाती है। इसके बाद में इस IC को चलने के लिए एक सप्लाई मिलती है जिस जो कि है VPS या VCC जो बोलते हैं, चार्जिंग IC से आउटपुट होकर इसको मिली है। इसके बाद में ये जो पिन है, ये कैप सीरीज में कैप डाल के इसको इनपुट दिया गया है,
यानी पावर आईसी से इससे इनपुट लिया हुआ है, पावर आईसी इसको इनपुट दे रही है, यानी यानी एक छोटा सिग्नल इसको दिया जा रहा है। इसके बाद में सीपीयू से अनेबल दिया जा रहा है जो कि आप देख रहे हैं ऑडियो रीसेट वाला। तो ये सारी जो मैंने लाइनें अभी बताई आपको फुल टेस्टिंग में पहले आपको चेक करवाने वाला हूँ, उसके बाद में आपको ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पर कहाँ पर इसे। तो इसके लिए हम स्कीमेटिक में जाते हैं क्योंकि इसका जो बूट कैप वगैरह लगा हूँ उसके बारे में भी, यानी फ्लाई कैप जो लगा हूँ उसके बारे में भी हमें जानकारी लेनी है, और कैप की वैल्यू क्या है उसके बारे में भी जानकारी लेनी है, इसमें प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ किया वो भी देखना है। तो देखिए यहाँ पर P3 और A4 वाली जो पिन है उसमें एक बूट कैप डाला हुआ जो कि 4.7 माइक्रो फेरेड का है। तो इस कैप को मैं चेक करना ज़रूरी है कि इसकी वैल्यू सही है या नहीं है। इसके बाद में इसमें ऑडियो रिसेट आ रहा, SDSL एंड I2C प्रोटोकॉल इसमें यूज किया गया है। इसके बाद में सीरीज में कैप डाल के E2 और E1 पे इसको इनपुट दिया गया है, और ये इसका आउटपुट है आपका A1 और C1। तो स्टेप बाय स्टेप ये हमें चेक करना रहेगा जिससे हमें ये समझ में आएगा कि इसमें फॉल्ट कहाँ से। तो ये जो कैप दो तले हैं ये ग्राउंड है, कोई इशू नहीं। मेन हमें इस कैप को चेक करना है जो कि 4.7 माइक्रो फेरेड का है। कैप के नंबर को कॉपी किया है हमने और स्कीमेटिक में सर्च करने वाले हैं, इसकी वैल्यू वगैरह आपको मैंने अभी बताई थी। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग हमने देखा है ये इसका VPS है जो चार्जिंग वाली कोयल से या VCC वाली कोयल से कनेक्टेड है, यानी सही है। इसके बाद में सेट को मैंने ऑन किया है, और ऑन करने पर उस कैप पे मैं आपको वोल्टेज और GR वगैरह चेक करवाने वाला हूँ। सबसे पहले हम इसका इनपुट जो वोल्टेज है वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए 3.7 वोल्टेज आ रहा है, यानी इनपुट इसको मिल रहा है इसी को। ओके, नेक्स्ट हमें ये देखना है कि इसका जो अनेबल है वहाँ पर क्या वोल्टेज आ रहे हैं। तो देखिए क्योंकि अभी हमने रिंगर अनेबल नहीं किया है तो कोई वोल्टेज हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन हम GR निकाल कर ही पता कर सकते हैं। लेकिन GR हम इस कंडीशन में निकालेंगे तो रिंगर IC का भी GR मिल सकता है हमें, और जहाँ से आ रहा GR उसका मिल सकता है, उससे हमें कन्फर्म नहीं होगा कि ये जो कनेक्टिविटी आ रही है वो किसकी है। तो सबसे पहले हम IC को उठा देते हैं, और IC को उठाने के बाद अनेबल वाली पिन में GR चेक करते हैं, इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि वो जो पिन है CPU से कनेक्टेड है। सबसे पहले IC की कंडीशन ओके है, कोई वाटर लॉगिंग नहीं है नीचे, क्योंकि दुकानदार ने ऑलरेडी सेट को प्रेस करके फिर भेजा है मेरे पास। तो यहाँ पर हम अनेबल वाला लाइन देख लेते हैं कहाँ पर है। तो मैंने क्लीन वगैरह किया है, उसके बाद मैं आपको अनेबल वाला पिन भी दिखा रहा हूँ, यानी IC के कौन सी बॉल पे वो अनेबल आ रहा है। तो आप देखिए जो डार्क ब्लू वाली जो लाइन है ये देखिए CPU से निकली और IC के इस डॉट पे आ रही है, यानी ये अनेबल है, हमें इसमें GR चेक करना है। देखिए यहाँ पर GR भी आ रहा है, यानी ये लाइन CPU से कनेक्टेड है, इस लाइन पे हमें डाउट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ओके है, अनेबल मतलब कि GR कनेक्ट है, इसका मतलब IC से वो कनेक्ट है, CPU से वो कनेक्ट है। नेक्स्ट VPS IC के अंदर जा रहा है नहीं जा रहा, वो भी ठीक है। इसके बाद में जो आपका इनपुट आ रहा है, जो PM की तरफ से इनपुट आ रहा है, उसको भी हमें GR चेक करना है कैप के एक साइड में, क्योंकि दूसरी साइड में तो आपको GR मिलेगा नहीं। एक साइड में पावर IC का जो इनपुट रीडिंग आ रही है वो देखना है। तो देखिए ये भी वैल्यू आ रही है, और ऊपर वाले कैप पे इस पर भी आ रही है, यानी इनपुट ओके है, पावर IC की इनपुट भेज रही है। फिर ये इनपुट दूसरे कैप के दूसरे सीट IC के अंदर भी जा रहा है, जो आपको सीरीज में कैप दिख रहे हैं यहाँ पर भी आ रहा है, यानी ये भी कम्प्लीट है। बूट कैप की जो वैल्यू है वो भी हम देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू 4.7 माइक्रो फेरेड है या नहीं है, क्योंकि उसके कारण भी दिक्कत आती है। तो कैप की लोकेशन हमने फाइंड की है, और कैप की लोकेशन फाइंड करके हम देख लेते हैं वो कौन सी लोकेशन में लगा हुआ है। देखिए IC के नीचे लगा हुआ है C2012। तो इसकी वैल्यू हम देख चेक कर लेते हैं फेरेड में, मीटर में आप ऊपर कॉर्नर में ध्यान दीजिएगा फिलहाल। तो देखिए मैंने जो मीटर में वैल्यू 4.4 के आसपास आ रही है ना, सही है। कैप भी अपना सही है और कनेक्टिविटी सही है, आउटपुट सही है, इनपुट सही है। तो फिर दिक्कत कहाँ से आ रही है, देखिए ये भी कैप सही है 78 नैनोफेरेड, और
हम अब इसका जो रिंगर का इनपुट लाइन है उसको DSO के जरिए आपको मैं चेक करके बताने वाला हूँ कि DSO में हम कैसे पता करेंगे कि पावर IC की तरफ से इसको इनपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने अनेबल भी आपको चेक करवा दिया। अब इसको इनपुट मिल रहा है नहीं मिल रहा वो अब चेक करवाने वाले हैं। अब इनपुट में क्या है कि एक तरह से रिंगर जब हम बजा के देखेंगे तो DSO में कुछ चेंजेज हमें देखने को मिलेगा। हम रिंगर नहीं बजाएंगे तो क्या चेंजेज देखने को, उससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि रिंगर जब हम ऑन करते हैं तो उस लाइन में पावर की तरफ से कुछ न कुछ डेटा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो अभी मैंने सेट को ऑन किया है और ऑन करने पर एक वायर, मैंने ये जो वायर निकाला हुआ है, ये जो वायर आप देख रहे हैं ये आपका रिंगर का इनपुट का एक वायर है। तो मैं यहाँ पे ये इनपुट का जो वायर है मैं इसको यहाँ पे मैंने इसको दे दिया है और ग्राउंड वाला जो पिन है मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ। ये मैंने दे दिया, तो ये मैंने दे दिया इसको, देखिए थोड़ा सा ये लूज हो रहा है इसलिए मेरे को, क्योंकि पास में ग्राउंड के अलावा कुछ सप्लाई भी है अटैच ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कि अभी DSO में आप देखिए, DSO में देखिए कोई प्रकार का कोई हलचल नहीं है, स्टेबल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं सेटिंग में जा रहा हूँ और सेटिंग में जाके इसका जो साउंड का सिस्टम है उसको मैं ऑन कर रहा हूँ। अब साउंड का सिस्टम जब मैं ऑन करूँगा तो मैं रिंगर बजा के देखूँगा, अगर रिंगर बजाने पर देखते हैं क्या हलचल होता है। तो मैंने ये रिंगर बजाया और रिंगर बजाने पर उधर देखिए, अब रिंगर बज रहा है, रिंगर बजने पर यहाँ पे देखो हलचल हो रही है DSO, यानी यहाँ पर आपको एक पल्सेस देखने को मिली। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि रिंगर को जो है बंद कर रहा हूँ, रिंगर को मैं बंद कर रहा हूँ, मैंने बंद कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि रिंगर का जो मैंने ये जैसे बंद किया ये क्या हो रहा है, देखिए वहाँ पर दीजिए बोलिए, यहाँ पर देखिए रिंगर बज रहा है और बजने के बाद मैं इसको बंद कर रहा हूँ, यानी मैंने ये बंद कर दिया। बंद करने पर देखो क्या चेंजेस हुआ, ये बंद कर दिया मैंने, क्या हुआ, बंद वापस पल्सेस बंद हो गया है ना। तो यहाँ पर देखिए पीछे जो हमारे जो प्रोटोकॉल बजता है वो है I2C, E3 और E4 जो पिन है इस IC का, तो उसको मैंने कनेक्ट किया है, देखा कहाँ जा रहे हैं, इसका पुलअप जो रजिस्टर है वो कहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ पे पुलअप रजिस्टर जो यहाँ पे लगा हुआ है, और दूसरा इसके जस्ट पास ही होता है हमेशा, तो दूसरा देखिए दूसरा भी IC के अंदर ही जा रहा है। तो इस पुलअप में देखिए कनेक्शन सही है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि इस पुलअप की मैंने जो रजिस्टर की जो वैल्यू बताई है, यानी यहाँ पे देखिए GR जो 800 कुछ आ रहा है और ऊपर वाले पे भी GR आ रहा है, इसका मतलब ये कनेक्टेड तो है लेकिन इसको वोल्टेज मिल रहा है नहीं मिल रहा, इसकी वैल्यू प्रॉपर है या नहीं है, या ये PM या जो भी IC इसको 1.8 पुलअप दे रही है वो कनेक्ट है या नहीं, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर मैं दिखाने वाला, इसकी जो वैल्यू है आपको स्क्रीन में दिख रही है।
हो चुका है, वो भी मैं आपको चेक करवाने वाला हूँ। रिंगर टिप्स पे जो वोल्टेज नहीं आ रहे थे तो सेट ऑन हो चुका है, और ऑन होने के बाद इसका ये रिंगर डब्बी है तो वही सेम ऑन हो चुका है सर। और मैं यहाँ पे इसका जो रिंगर बजा के चेक करवा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले रिंगर ही बजा देता हूँ। तो रिंगटोन, और रिंगटोन के अंदर अगर इसके बाद भी हमारा रिंगर नहीं बजता है तो फिर हमें रिंगर आईसी को रिप्लेस करने की ज़रूरत है या पावर पे काम करने की ज़रूरत है। ओके जा रहा हूँ, आया 3.5 3.5 यानी वोल्टेज जो है अभी आने लग गया है, जो कि पहले आपको वोल्टेज नहीं दिख रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको मीटर में ही चेक करवा रहा हूँ कि जब रिंगर में बजा रहा हूँ तो देखिए क्या वोल्टेज आ रहे हैं। देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है, फिलहाल रिंगर बंद हो चुका है यानी रिंग बजना बंद हो चुका है, यानी वोल्टेज नहीं आ रहा। मैं रिंगर वापस बजाता हूँ, देखते क्या वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3.6 और 3.6 वोल्टेज आने लग गए। हम एक बार DSO से मेजर कर लेते हैं कि इसकी जो रिंगर टिप्स है उस पर क्या हलचल हो रही है। तो मैं फ़िलहाल सेट आप देख सकते हैं, सेट ऑन कंडीशन में, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए सेट ऑन कंडीशन में। और मैं यहाँ पे DSO पर एक प्रोब मैं ग्राउंड में रख रहा हूँ, एक प्रोब इसके प्लस या माइनस पे रख के देख रहा हूँ। तो DSO में क्या चेंज हो रहा है, देखिए DSO में कोई प्रकार की कोई हलचल नहीं है। ठीक है, देखिए मैंने लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं मैंने लगाया टच किया हुआ है। मैं दोनों टिप्स पे देखो, दूसरे पे चेक करवा रहा हूँ आपको, लेकिन वहाँ पर भी कोई ऐसा हलचल नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड ऑप्शन कि मैं इसकी रिंग बजा कर देख रहा हूँ, मैं इसकी रिंग बजा कर देख रहा हूँ कि रिंग बजाने पर क्या DSO में कुछ पल्सेस बनती है, जिससे अपने को आइडिया हो जाएगा कि जो जो रिंगर है, जो रिंगर है वो बज रहा है नहीं बज रहा। तो मैं देखो फिलहाल ये मैंने एक रिंगर ऑन किया है, मैंने रिंग ऑन की है और DSO पे मैं बताने वाला हूँ। पहले फिलहाल मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, अब DSO में देखिए क्या बता रहा है। देखिए DSO में आपको पल्सेस देखने को मिल रही, यहाँ पर रिंगर बज रहा है। ठीक है, और उसी टाइप से मैं दूसरे पिन पे बता रहा हूँ, देखिए दूसरे पिन पे मैं बता रहा हूँ, तो देखिए वहाँ पर भी पल्सेस आ रही है, यानी रिंगर आपका काम करने लग गया है। अब मैं देखो रिंगर वापस मैं बंद कर रहा हूँ, क्योंकि अभी रिंग बज रही है, मैं वापस रिंग बंद कर दिया, ये बंद कर दिया मैंने, बंद कर दिया, और अब वापस एक बार आपको चेक करवा रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे ये लगा रहा हूँ, मैंने लगाया और देखिए क्या क्या आ रहा है वहाँ पर, कुछ नहीं, कोई हलचल नहीं, दोनों टिप्स मैं लगा रहा हूँ, कोई हलचल नहीं है ना, यानी आपका जो है रिंगर काम करने लग चुका है। ठीक है, चलो ठीक है। तो अभी मैंने देखो सेट को पैक कर दिया है, और पैक करने के बाद मैं आपको इसका रिंगर वगैरह बजा के बता रहा हूँ कि रिंगर बजा या नहीं बजा। तो आप अपनी फ़ोन को, तो सेट मैंने ये ऑन कर दिया है और आप देख सकते हैं सेट ऑन है। मैं थोड़ा सा इसका प्रकाश नहीं, बैटरी लो है, तो मैं यहाँ पे देखिए इसकी जो रिंगर का सेटिंग है उसमें, ये रिंगर का सेटिंग है, और रिंगर का सेटिंग मैं रिंगर में जाता हूँ और कोई भी एक रिंगर बजाता हूँ। आवाज आई आपको, तो आपको मैंने इस वीडियो में DSO के थ्रू, मीटर के थ्रू वोल्टेज, GR और ITCU की टेस्टिंग सारा कुछ इस वीडियो में बताया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।